जनपद के कस्बा शेरगढ़ में एक मंदबुद्धि व्यक्ति ने घर में घुसकर एक बच्चे का ईंट से सिर फोड़ दिया, जिसकी शिकायत लेकर बच्चे के माता पिता थाना शेरगढ़ पहुंचे और उस मंदबुद्धि व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी। दरअसल क्षेत्र का ही रहने वाला मुक्की उर्फ बिहारी नाम का व्यक्ति कई दिनों से महिला और बच्चों को परेशान कर रहा था। हद तो तब हो गई जब वो मंदबुद्धि व्यक्ति घर में घुसाया और बच्चे का ईंट से सिर फोड़ दिया। इससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, वहीं मंदबुद्धि व्यक्ति के खिलाफ थाना शेरगढ़ में तहरीर दी गई और परिजनों द्वारा कार्यवाही करने की मांग की गई। हाँ भाई, आपका नाम क्या? मेरा नाम भूपाल। आप ऐसे किस जगह से रहने वाले? हम निषाद मोहल्ले के रहने वाले हैं, मंगलेश्वर शेरगढ़। शेरगढ़ से अभी जो आप शेरगढ़ थाने आए हो, तो ऐसा क्या कुछ समस्या लाए? समस्या क्या है, एक तो पागल हुआ मुक्की कन्हैयालाल का लड़का, एक बिहारी है जी सनप इंद्रपाल, ये कल इसके एक साल एक महीना का बच्चा हुआ है, उसको मार भगा और फिर इसके आज टाँट फोड़ दिया। इस बच्चे को पकड़ के इस रहा था ये घर, और आज घर पे टाँट फोड़ दिया, पता कब वो करे। पागल है फिर या ये कैसे? हमको कुछ नहीं मालूम, पूरी जायास है इस पे, घर के इसको छोड़ देते नहीं, लावार तरह मार दो कुछ कर दो फिर हाथ ले हमें। हाँ, आपका नाम क्या? माया। आप ऐसे कहाँ की रहने वाली हैं? शेरगढ़। अभी जो आप शेरगढ़ थाने आई हो, तो ऐसे क्या कुछ आप क्या कुछ समस्या लाई है? जी पागल फागल तो एक कहीं ना है ऐसा ही है, अगर बाकी हिमाती सब उले में जो मारे तो आए, और ये जो पागल है या कि जमीन जाता सब कुछ है और जब मारे तो उले में ये। कौन है, किसने? मुक्की मुक्की है, बिहारी है। तो फिर उन्होंने ऐसा किसके चोट मारी? छोरा की चोट मारी, घर आके नहीं है। और याने कल मैं रोटी बना रही तो ये कल नंगो है वो, और छोरा मैंने गोदी में ले रहा को वहाँ पे ईंट लेकर भगो, नहीं दारिया हाली मारूं जब घर से भगाया मारो जब भी ईंट मारो। मथुरा शहर का एकमात्र ऐसा सैलून जहां एक ही छत के नीचे महिलाओं व पुरुषों को वातानुकूलित वातावरण में बॉडी ट्रीटमेंट जैसे कि हेयर कट, मसाज, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप आदि जैसे ट्रीटमेंट वाजिब दामों पर दिए जाते हैं, तो फिर देर किस बात की, कृष्णा नगर के बॉलीवुड स्टाइल यूनिसेक्स सैलून में जरूर पधारें और सेवाओं का लुफ्त उठाएं।